फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है नेविगेशन बटन को कैसे आप यूज़ करेंगे वीवो के मोबाइल में। फ्रेंड्स, अगर उससे पहले एक बार और कैसे होगा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का और फ्रेंड्स पे क्लिक करना ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको सेटिंग पर क्लिक करना है, सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिला है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन में आपको ऑप्शन मिल जाता है नेविगेशन कीज, नेविगेशन गेस्चर एंड ऑर्डर एंड स्टाइल ऑफ नेविगेशन का ऑप्शन मिला है। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप तो ये देखिए नेविगेशन बटन का ऑप्शन आ जाएगा। अब कैसे आपको चेंज करा है, यूज़ करा है, इसमें आपको बताया जा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कैसे यूज़ करना है आपको, जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस तरीके से यहाँ पर बैक करेंगे आप, ये देखिए बैक हो जाएगा। इस तरीके से स्वाइप करेंगे आप तो ये बैक का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर। तो इसको आपको यूज़ कर लेना है, यहाँ पर इस तरीके से बैक करना है आपको। ये देखिए बैक हो चुका। अगर आपको और भी बैक करना है तो इस तरीके से क्लिक करेंगे आप तो भी बैक हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर ब्लैक बैक करना हो तो इस तरीके से भी बैक हो जाता है। तो यहाँ से आप इस्तेमाल कर पाएंगे, ये भी काफ़ी यूज़फुल सेटिंग यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। मान लीजिए आपको होम बटन का या मल्टीपल टास्किंग का वो टच करना है इस तरीके से, होल्ड कर देना है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर से टच को बता रही हूँ, यहाँ पर टच करना है, होल्ड कर देना है, इस तरीके से टच करना है। यहाँ से मल्टीपल टास्किंग के लिए इस तरीके से टच करना है, जैसे कि यहाँ पर और होल्ड कर देंगे तो हो जाएगा। होम बटन पे क्लिक करना तो ये देखिए इस पर क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बटन्स की बात करें, आपको बटन यूज़ करना है तो आप इस गेस्चर्स की बात कर अगर मैं बताऊँ तो गेस्चर्स को आप बटन की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने का यही तरीका है। तो बस अगर आपको बटन इनेबल करना है तो फिर से आपको इस यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन पर ही आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर नेविगेशन कीज़ पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर ऑर्डर एंड स्टाइल ऑफ नेविगेशन कीज़ का ऑप्शन मिल रहा है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। ये देखिए इस पर क्लिक कर देंगे आप तो देखिए चेंज हो जाएगा, इसमें से चेंज कर पाएंगे आप। और यहाँ पर आपको आइकन पैटर्न्स का ऑप्शन मिला है, आइकन पैटर्न्स भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए उसे अप्लाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो काफ़ी यूज़फुल सेटिंग है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का और फ्रेंड्स पे क्लिक करना ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।